नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की पहली 8 लेन सड़क जल्द ही हो जाएगी तैयार। 9 जिले के DPO का हुआ ट्रांसफर। पटना से अब 4 बड़े शहरों के लिए शुरू हुई फ्लाइट सेवा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव क्षेत्र में मंत्री और विधायकों की एंट्री पर लगाई रोक। गया में मिला 72,000 का नकली नोट, 2 की हुई गिरफ्तारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की पहली 8 लेन सड़क जल्द ही हो जाएगी तैयार। बिहार में अब तक आपने 4 लेन और 6 लेन सड़क देखा होगा, जिस पर आपने सफर भी किया होगा, लेकिन अब 8 लेन की सड़क भी आप देख लेंगे, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में बनने वाले 8 लेन सड़क का काम लगभग पूरा हो गया है। जानकारों की माने तो 90% काम पूरा हो चुका है, केवल 10% काम बाकी है, जो कि कुछ कारणों से बचा हुआ है। अगले साल इस सड़क का काम पूरा होने और उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। पटना के सगुना मोड़ से दानापुर रेलवे स्टेशन तक ये सड़क बनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि ये सड़क राजधानी के लोगों के लिए खास सौगात होगी। इस सड़क के बन जाने से राजधानी के पश्चिमी हिस्से के विकास में काफी तेजी आएगी। इसके साथ ही पटना से बाहर पश्चिमी और दक्षिणी पटना का राजधानी से सीधा संपर्क होगा। पटना से अब 4 बड़े शहरों के लिए शुरू हुई फ्लाइट सेवा। कोरोना के बाद अब विमानों के पहिए पर लगा ब्रेक फिर से खुलने लगा है। यही कारण है कि पटना से डायरेक्ट जितनी भी विमान सेवाएं बंद थी, उसको दोबारा से खोलने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर पटना एयरपोर्ट से 50 जोड़ी यानी कि 100 विमानों के परिचालन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नए शेड्यूल में 4 जोड़े विमानों की तादाद अधिक हो गई है। इनमें से एक फ्लाइट पटना से गुवाहाटी, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए चलेगी, जबकि एक फ्लाइट सूरत पटना मुंबई सेक्टर की है। पटना से अब पहली विमान स्पाइस जेट की है, जो अमृतसर पटना आने के बाद सुबह 7:50 पर गुवाहाटी के लिए रवाना होगी। वहीं दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट गो एयर सुबह 8:30 रवाना होगी। लगातार 5वें दिन भी जारी है सफाई कर्मियों की हड़ताल। बिहार में निगम कर्मियों की हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी है, जिसके तहत राजधानी पटना समेत बिहार के सभी शहरी इलाके कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं। राजधानी पटना की बात करें तो जगह जगह कूड़ों का अंबार लगा है, कहीं से भी गुजरना दुश्वार हो गया है। लोग भी अब मजबूरन सड़कों पर ही जहां तहां कचरा फेंक रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच प्रशासन का रवैया भी उदासीन नजर आ रहा है। जहां पूरा बिहार कूड़ेदान में बदल गया है, वहीं सरकार ने अब तक इस मामले को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाया है, जिसके कारण ही निगम कर्मियों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। इसी बीच सुबह के वक्त हल्की बारिश होने के कारण स्थिति और भयावह हो गई है। कई इलाकों में तो लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव क्षेत्रों में मंत्री और विधायकों की एंट्री पर लगाई रोक। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। इन सबके बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने मंत्री और विधायकों को अब चुनाव क्षेत्र में जाने पर पूरी तरीके से रोक दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह रोक आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखकर लागू किया गया है, जिसके बाद ही अब सरकारी कार्यक्रम के तहत माननीय सिर्फ शहरी क्षेत्र या क्षेत्रीय सरकारी कार्यालय तक ही जा सकेंगे। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत ही माननीयों को चुनाव क्षेत्र में जाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने इस बाबत साफ कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों की तरफ से की जाने वाली सरकारी यात्रा और चुनावी यात्रा बिल्कुल अलग अलग होगी। पटना सहित बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार। राजधानी पटना में शनिवार की सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश भी हो रही है। इसके कारण आज शहर का मौसम सुहाना बना रहने की उम्मीद है। इसके अलावा भी कई जिलों में बारिश के लिए तत्कालिक पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय कारणों से प्रदेश के ज्यादातर इलाके में बिजली चमकने और मेघ गर्जन के साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी और शिवहर में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों के अलावा सारण, बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, कटिहार आदि जिलों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शिक्षकों के नियोजन को लेकर जारी किया आदेश। बिहार में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियोजन प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी के सामने अभ्यावेदन दायर करने की बात कही है। इस बाबत चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शिवजी चौरसिया की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर संबंधित अधिकारी के सामने अपनी शिकायत के निवारण हेतु अभ्यावेदन दायर करने की बात कही है, जिसके बाद संबंधित अधिकारी आदेश की प्रति के साथ अभ्यावेदन मिलने पर इसे 3 महीने के अभ्यावेदन पर विचार कर शीघ्रता से निष्पादित कर सकेंगे। 9 जिले के DPO का हुआ ट्रांसफर।
शिक्षा विभाग ने जिलों में व्यवस्था में सुधार को लेकर के बड़ा फेरबदल किया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने 9 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें नवादा, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, बेगूसराय, सुपौल, मोतिहारी, खगड़िया का नाम शामिल है, जिसके तहत सिवान डीपीओ दिलीप कुमार सिंह को नवादा, अरवल के डीपीओ अमरेंद्र कुमार गोंड को सासाराम, गोपालगंज डीपीओ मिथिलेश कुमार सिंह को मोतिहारी, खगड़िया डीपीओ शिव कुमार शर्मा को जमुई, भागलपुर डीपीओ विनय कुमार सुमन को मुंगेर, समस्तीपुर डीपीओ रविन्द्र कुमार सिंह को बेगूसराय, किशनगंज के डीपीओ मोहम्मद रहमानी को सुपौल, भागलपुर संजय कुमार को लखीसराय की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम नीतीश ने सभी मंत्रियों को फील्ड में जाने का दिया आदेश। बिहार के सीएम नीतीश ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों से अपने अपने जिले का दौरा करने का आदेश जारी किया है। इस बाबत सरकार ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वो जिलों में जाकर स्थिति को देखें और उसके बाद रिपोर्ट दें। कैबिनेट सचिवालय ने इस बाबत सभी मंत्रियों को 14 और 15 सितंबर को भ्रमण करने का आदेश जारी किया है, जहां सभी सदस्य को अपने जिलों में बाढ़, अतिवृष्टि और अन्य आपदाओं की स्थिति की समीक्षा करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद ये सभी सदस्य अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को देंगे। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी मंत्रियों के आप्त सचिवों को पत्र भी जारी कर दिया है। बिहार में रिकवरी दर में आई मामूली गिरावट। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 12 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 73 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो कटिहार, खगड़िया में 1-1, मधुबनी में 1, पटना में 7, पूर्णिया में 1, समस्तीपुर में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा रोहतास, शेखपुरा, वेस्ट चंपारण, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, सहरसा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,63,429 सैंपल की जांच की गई, वहीं 10 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। इसके साथ ही रिकवरी दर अब 98.65% पर पहुंच गई है। मनीष राज ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ पद से दिया इस्तीफा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ मनीष राज ने सीईओ पद से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसका कारण उन्होंने स्वास्थ्य समस्या बताया है। साथ ही अपने त्यागपत्र में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को आगे बढ़ने की कामनाएं की है, जिसके तहत उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड से अपने कार्यकाल का फीडबैक भी मांगा है। इसके साथ ही भाजपा के दो नेताओं द्वारा अंडर-19 विमेन मांकड़ ट्रॉफी के लिए 2 अलग अलग टीम की घोषणा कर दी गई है, साथ ही दोनों खुद को अध्यक्ष भी बता रहे हैं, जिसके बाद से ही इसको लेकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन काफी चर्चा में रहा। अब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ पद से मनीष राज ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब आगे पता चलेगा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आगे क्या कदम बढ़ाता है। गया में मिला 72,000 का नकली नोट, 2 की हुई गिरफ्तारी। गया जिले में बीते दिन पुलिस ने 72,000 के नकली नोट को बरामद किया है। इतना ही नहीं, इन नोटों के साथ साथ पुलिस ने गया में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दोनों युवक की पहचान अमर थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी नीलेश कुमार और अमर थाना क्षेत्र के बड़की चिल्लीम गांव के अविनाश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अविनाश कुमार बैग में नोटों का बंडल भरकर ठिकानों पर पहुंचाने जा रहे थे। पुलिस के आने की भनक लगते ही वो बाइक से तेज रफ्तार से शेरघाटी की तरफ भागने लगा। उसे ओवरटेक कर एक पेट्रोल पंप के पास से पकड़ लिया गया। उससे पूछताछ के बाद गुरुआ के बहेरी निवासी नीलेश कुमार को भी पकड़ा गया, जिसके बाद अब पुलिस संचालक को ढूंढने में लगी हुई है। बिहार कांग्रेस में मिले बदलाव के संकेत। बिहार कांग्रेस में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं, जिसके तहत कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने भी कहा है कि बिहार में जल्द ही नई टीम की घोषणा होने वाली है। सबसे खास बात यह होगी कि अगर बिहार कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलता है तो इस बार कांग्रेस युवाओं को मौका देने वाली है। इस बाबत पार्टी के बिहार प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव भक्त चरण दास ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही बड़ा ऐलान होगा। भक्त चरण दास ने कहा कि जल्द ही पार्टी की नई टीम की घोषणा की जाएगी। नई टीम ऐसी होगी जिससे कांग्रेस संगठन का विस्तार बिहार के घर घर तक होगा। पार्टी के सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भक्त चरण दास विधायक राजेश राम को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही 8 कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, जो समाज के अलग अलग तबके से हैं। भक्त चरण दास ने राहुल गांधी को अपने पसंद के पदाधिकारियों की सूची सौंप दी है। ललन पासवान और नंदकिशोर सिंह बने जदयू संगठन प्रभारी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इन दिनों जदयू को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनका यही लक्ष्य है कि पार्टी को 2010 में मिले जनाधार के करीब पहुंचाया जाए।
इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते दिन कई अहम निर्णय भी लिया है, जिसके तहत इन्होंने लोकसभा और विधानसभा प्रभारी का पद तो खत्म किया ही, साथ ही गया जिले के लिए पूर्व विधायक ललन पासवान और नंदकिशोर सिंह को संगठन प्रभारी बनाया है, जिसकी जानकारी जदयू जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद ने दी है। इस बाबत उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व से रहे लोकसभा और विधानसभा के सभी प्रभारी का पद अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रकोष्ठ में अलग अलग विधानसभा प्रभारी का पद बना दिया गया था। बिहार का चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक पाने वाला बिहार का पहला प्रबंध संस्थान। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की ताजा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहली बार चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना ने अपनी जगह बनाई है। सबसे खास बात यह है कि यह राज्य का पहला प्रबंधन संस्थान है जिसे NIRF में जगह मिली है। CIMP को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश में 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह दो आईआईएम से भी आगे है। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज, साथ ही साथ ग्रेजुएशन आउटकम्स एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन के साथ अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रैंक दिया गया है। जानकारों की माने तो CIMP का स्टैंडर्ड काफी बेहतर है, यहाँ की प्लेसमेंट भी काफी बेहतर बताई गई है। कपिल देव ने विराट और रोहित को दी सलाह। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने टीम इंडिया के सुपरस्टार कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा को T20 विश्व कप से पहले अहम सलाह दी है, जिसके तहत उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों को एक खास प्रैक्टिस की सलाह दी। साथ ही सचिन और सौरभ गांगुली के नक्शे कदमों पर चलने की सलाह भी दी है, जिसके तहत हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ऐसे ऑलराउंडर थे जो गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन वो प्रमुख बल्लेबाज थे। विराट और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं करते हैं, इसलिए T20 क्रिकेट में इतनी मुश्किल हो जाती है। हर किसी को कुछ ओवर तो गेंदबाजी करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि उनको लय हासिल हो जाए। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बनाने से भारतीय टीम को फायदा मिलेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।